माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ देश ने जब लिया स्वच्छता का संकल्प, तो जन भागीदारी के इस महाअभियान से देश के हर गांव, हर शहर को मिली नई पहचान। स्वच्छता अब देश का स्वभाव बन चुका है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़ा स्वच्छ हरित परिसर पुरस्कार। ये पुरस्कार संस्थाओं, छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्वच्छता के लिए नई प्रेरणा देकर अहम भूमिका निभा रहा है। अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से हरित और स्वच्छ पुरस्कार पोर्टल तैयार किया गया है। पुरस्कार के चयन के लिए परिसर में हरियाली, कचरे का प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण जैसे मानक बनाए गए हैं। पुरस्कार के लिए इस वर्ष देश भर से कृषि विश्वविद्यालयों ने प्रविष्टियां भेजी। इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार मिला है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को। द्वितीय पुरस्कार मिला है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर को। तृतीय पुरस्कार मिला है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई को। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया है। आशा है कि हरित और स्वच्छ पुरस्कार सभी कृषि और अन्य विश्वविद्यालयों को आगे भी ऐसी पद्धतियों को विकसित करने या अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, जो उनके परिसरों को अधिक से अधिक हरा भरा और स्वच्छ बनाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार जी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री कैलाश चौधरी जी, बहन शोभा जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी, नेता विपक्ष श्री धर्मपाल कौशिक जी, कृषि शिक्षा से जुड़े सभी वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, वैज्ञानिक साथी और मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, हमारे यहां उत्तर भारत में गाग और भडूरी की कृषि संबंधी कहावतें बहुत लोकप्रिय रही हैं। गाग ने आज से कई शताब्दी पहले कहा था, जेते गहरा जोते खेत, परे बीज फल देते देत, यानी खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। ये कहावतें भारत की कृषि के सैकड़ों साल पुराने अनुभवों के बाद बनी है। ये बताती हैं कि भारतीय कृषि हमेशा से कितनी वैज्ञानिक रही है। कृषि और विज्ञान के इस तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को ये समर्पित की जा रहा है और छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटीज आज जारी हुई हैं। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है।
चार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इनमें से कुछ वैरायटी कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए हैं, कुछ क्रॉप गंभीर रोगों से सुरक्षित हैं, कुछ जल्दी तैयार हो जाने वाली हैं, कुछ खारे पानी में भी हो सकती है। यानी देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर देश को एक नया वैज्ञानिक काम के लिए राष्ट्रीय संस्थान मिला है। ये संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुई चुनौतियां, बायोटिक स्ट्रेस, इससे निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलेगा, वैज्ञानिक सहायताएं मिलेगी और वो बहुत बल देगा। यहां से जो मैन पावर ट्रेन होगा, जो हमारा युवा धन तैयार होगा, वैज्ञानिक मन मस्तिष्क के साथ जो हमारा वैज्ञानिक तैयार होगा, जो यहां पर समाधान तैयार होंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे, वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। पिछले वर्ष ही कोरोना से लड़ाई के बीच में हमने देखा है कि कैसे टिड्डी दल ने भी अनेक राज्यों में बड़ा हमला कर दिया था। भारत ने बहुत प्रयास करके तब इस हमले को रोका था, किसानों का ज्यादा नुकसान होने से बचाने का भरपूर प्रयास किया गया था। मैं समझता हूं कि इस नए संस्थान पर बहुत बड़ा दायित्व है और मुझे विश्वास है कि यहां काम करने वाले वैज्ञानिक देश की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथियों, खेती
किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। इसकी वजह से किसानों को अपनी जो जमीन है उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उस जमीन की क्या शक्ति है, किस प्रकार के बीज बोने से, किस प्रकार की फसल बोने से अधिक लाभ होता है, दवाइयां कौन सी जरूरी पड़ेगी, फर्टिलाइजर कौन सा जरूरी पड़ेगा, ये सारी चीजें उस सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण, जमीन की सेहत का पता चलने के कारण कि इसकी वजह से किसानों को बहुत लाभ हुआ है, उनका खर्चा भी कम हुआ है और उपज भी बढ़ी है। उसी प्रकार से यूरिया की 100% से 100% निम कोटिंग करके हमने खाद को लेकर होने वाली चिंता को भी दूर किया। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा दिया इसके लिए। उसके कारण किसानों को पानी मिल जाए तो वो पानी से पराक्रम करके दिखाता है। उसी प्रकार से पानी बचाने के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, उन चीजों के लिए भी बड़ी आर्थिक मदद करके किसानों तक ये व्यवस्थाएं पहुंचाने का प्रयास किया। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। किसान खेती के साथ साथ बिजली पैदा करे, अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बने, अपनी खुद की जरूरतें भी पूरी कर सके, इसके लिए पीएम कुसुम अभियान भी चलाया जा रहा है। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए गए हैं। उसी प्रकार से आज तो मौसम के विषय में तो हमेशा दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी कितने प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या मुसीबत आती है, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन किया। अब आप जानते हैं ओलावृष्टि और मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा देने के लिए हमने कई चीजों में परिवर्तन किए। पहले के सारे नियमों में बदलाव लाए ताकि किसान को सर्वाधिक लाभ हो, इस नुकसान के समय उसको दिक्कत ना आए, ये सारे परिवर्तन किए। पीएम फसल बीमा योजना, इससे भी किसानों को बहुत लाभ हो और सुरक्षा मिले, इसकी चिंता की। इस परिवर्तन के बाद किसानों को करीब करीब ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो परिवर्तन लाए उसके कारण किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है। ये 1 लाख करोड़ रुपया इस संकट की घड़ी में किसान के जेब में गया है। साथियों, एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन, इन खरीद केंद्रों की संख्या भी
तीन गुना बढ़ाई गई है। किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक हमारे हर किसान को, और उसमें ज्यादातर छोटे किसान हैं, 10 में से 8 किसान हमारे देश में छोटे किसान हैं, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर पल रहे हैं। ऐसे किसानों को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट के पास भेजे गए हैं। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि तो इसी कोरोना काल में भेजी गई है। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की, और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, केसीसी से जोड़ा गया है। 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन हो ई नाम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि मंडियों को जोड़ना हो, मौजूदा कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण हो, ये सारे कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। देश के किसानों और देश की कृषि से जुड़े जो काम बीते 6-7 वर्षों में हुए हैं, उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए, क्योंकि 25 साल के बाद हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 25 साल के बाद आजादी की शताब्दी मनाएंगे, और इसके लिए इन 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए एक बड़ा मजबूत आधार बना दिया। बीज से लेकर बाजार तक हुए ये कार्य एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारत की प्रगति की गति को सुनिश्चित करने वाले हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक प्रकार से राज्य का विषय है, और इसके विषय में अनेक बार लिखा भी जाता है कि भाई ये तो राज्य का विषय है, भारत सरकार को उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे भी कई वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि राज्य की विशेष जिम्मेवारी है ये मैं जानता था, और इस जिम्मेवारी को मुझे निभाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के नाते मैं पूरी कोशिश करता था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कृषि व्यवस्था को, कृषि नीतियां और उनके खेती पर प्रभावों को बहुत निकट से अनुभव किया। और अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर मेरे गुजरात के कार्यकाल में क्या मैं काम कर रहा था उसका भी बड़ा वर्णन कर रहे थे। एक समय था जब गुजरात में खेती कुछ फसलों तक ही सीमित थी। गुजरात के एक बड़े हिस्से में पानी के अभाव से किसान खेती छोड़ चुके थे। उस समय एक ही मंत्र को लेकर के हम चले, किसानों को साथ लेकर के चले, और मंत्र था स्थिति बदलनी चाहिए, हम मिलकर स्थितियां जरूर बदलेंगे। इसके लिए उस दौर में ही हमने साइंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग शुरू कर दिया। आज देश के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में गुजरात की एक बड़ी हिस्सेदारी है। अब आज गुजरात में 12 महीने खेती होती है। कच्छ जैसे क्षेत्र में भी आज वो फल सब्जियां पैदा होती हैं जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। आज कच्छ का रेगिस्तान में से
वहां की कृषि पैदावार विदेशों में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, सिर्फ पैदावार पर ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि पूरे गुजरात में कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। ऐसे अनेक प्रयासों से खेती का दायरा तो बढ़ा ही, साथ ही खेती से जुड़े उद्योग और रोजगार भी बड़ी मात्रा में तैयार हुए। और क्योंकि एक मुख्यमंत्री के नाते राज्य सरकार की सारी जिम्मेवारी होती है, तो मुझे वो समय इन सारे कामों करने का अच्छा सा अवसर भी मिला और मैंने पूरी मेहनत भी की। भाई और बहनों, खेती में हुए ऐसे ही आधुनिक परिवर्तनों को आजादी के इस अमृत काल में और विस्तार देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन खेती ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम में बदलाव से हमारा मत्स्य उत्पादन, पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादकता बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसका नुकसान किसानों को, मछुआरे साथियों को उठाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बीमारियां, महामारियां आ रही हैं, इससे इंसान और पशुधन के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा संकट आ रहा है और फसलें भी प्रभावित हो रही है। इन पहलुओं पर गहन निरंतर जरूरी है। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। जिला स्तर पर साइंस आधारित ऐसे कृषि मॉडल खेती को अधिक प्रोफेशनल, अधिक लाभकारी बनाएंगे। आज जलवायु परिवर्तन से बचाव करने वाली तकनीक और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अभियान आज लॉन्च किया गया है, उसके मूल में भी यही भावना है। भाइयों और बहनों, ये वो समय है जब हमें बैक टू बेसिक और मार्च फॉर फ्यूचर दोनों में संतुलन साधना है। जब मैं बैक टू बेसिक कहता हूं, तब मेरा आशय हमारी पारंपरिक कृषि की उस ताकत से है जिसमें आज की अधिकतर चुनौतियों से जुड़ा सुरक्षा कवच था। पारंपरिक रूप से हम खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन एक साथ करते आए हैं। इसके अलावा एक साथ एक ही खेत में एक ही समय पर कई फसलों को भी उगाया जाता था। यानी पहले हमारे देश की एग्रीकल्चर मल्टीकल्चर थी, लेकिन ये धीरे धीरे मोनोकल्चर में बदलती चली गई। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है, तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। किसान को सिर्फ फसल आधारित इनकम सिस्टम से बाहर निकालकर उन्हें वैल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्पों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और छोटे किसानों को इसकी बहुत जरूरत है, और इसलिए हमने पूरा ध्यान 100 में से 80 जो छोटे किसान है उन पर लगाना ही है। और हमारे किसानों के लिए इसमें पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ साथ मधुमक्खी पालन, खेत में सौर ऊर्जा उत्पादन, कचरे से कंचन यानी इथेनॉल, बायोफ्यूअल, ऐसे विकल्प भी
किसानों को दिए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ समेत देश के किसान इन्हीं तेजी से इन सारी नई नई बातों को अपना रहे हैं, खेती के साथ साथ दो चार और चीजों का विस्तार कर रहे हैं। साथियों, मौसम की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसलों का उत्पादन हमारी पारंपरिक कृषि की एक और ताकत है। जहां सूखा रहता है वहां उस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, जहां बाढ़ रहती है, पानी ज्यादा रहता है, जहां बर्फ रहती है वहां उस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मौसम के हिसाब से उगाई जाने वाली इन फसलों में न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा रहती है। विशेष रूप से जो हमारे मोटे अनाज मिलेट्स हैं उनका बहुत महत्व है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को मजबूती देते हैं, इसलिए आज की लाइफस्टाइल में जिस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं उनको देखते हुए हमारे इन मिलेट्स की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है। मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी हुई, भारत के प्रयासों से ही यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगले वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये मिलेट्स की खेती की हमारी परंपरा हमारे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस करने का और नए बाजार तलाशने का बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। आज इस अवसर पर मैं देश के सभी सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों से कहूंगा कि मिलेट से जुड़े फूड फेस्टिवल लगाएं, मिलेट में से नई नई फूड वैरायटीज कैसे बने इसकी स्पर्धाएं करें, क्योंकि 2023 में अगर दुनिया में हमें अपनी बात लेके जाना है तो हमें इस चीजों में नयापन लाना पड़ेगा और लोगों में भी जागरूकता बढ़ाएं। मिलेट से जुड़ी नई वेबसाइट भी बनाई जा सकती है, लोग आए मिलेट से क्या क्या बन सकता है, क्या कैसे बन सकता है, क्या फायदा हो सकता है, एक जागरूकता का अभियान चल सकता है। मैं मानता हूं कि इसको इसके फायदे क्या होता है, इससे जुड़ी रोचक जानकारी हम इस वेबसाइट पर रख सकते हैं ताकि लोग उसको उसके साथ जुड़ सकते हैं। मैं तो सभी राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि आपका राज्य का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, आपके साइंटिस्ट और प्रोग्रेसिव किसान, इनमें से कोई टास्क फोर्स बनाइए और 2023 में जब विश्व मिलेट ईयर मनाता होगा तब भारत को उसे कैसे योगदान करे, भारत कैसे लीड करे, भारत के किसान उसमें कैसे फायदा उठाएं, अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। साथियों, साइंस और रिसर्च के समाधानों से अब मिलेट्स और अन्य अनाजों को और विकसित करना बहुत जरूरी है। मकसद ये कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उन्हें उगाया जा सके। आज जिन क्रॉप्स की वैरायटी लॉन्च हुई है उनमें इन प्रयासों की झलक भी हमें दिख रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि इस समय देश में 150 से अधिक क्लस्टर्स में वहां की परिस्थितियों के मुताबिक कृषि तकनीकों पर प्रयोग चल रहे हैं। साथियों, खेती की जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं उसके साथ साथ मार्च टू फ्यूचर, पहले मैंने कहा बैक टू बेसिक और फिर इसके साथ जोड़ना है मार्च टू फ्यूचर भी उतना ही आवश्यक है। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में आधुनिक टेक्नोलॉजी है, खेती के नए औजार है, आधुनिक कृषि
मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा देने का प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। आने वाला समय स्मार्ट मशीनों का है, स्मार्ट उपकरणों का है। देश में पहली बार गांव की प्रॉपर्टी के दस्तावेज तैयार करने में ड्रोन की भूमिका हम देख रहे हैं। अब खेती में भी आधुनिक ड्रोन्स और सेंसर्स के उपयोग को बढ़ाना है। इससे खेती से जुड़ा हाई क्वालिटी डेटा हमें मिल सकता है। ये खेती की चुनौतियों से जुड़े रियल टाइम समाधान तैयार करने में भी मदद करेगा। हाल में लागू की गई नई ड्रोन नीति इसमें और सहायक सिद्ध होने वाली है। साथियों, बीज से बाजार लेकर के बाजार तक, ये बीज से बाजार तक का जो पूरा इकोसिस्टम है, देश उसे जो तैयार कर रहा है उसे हमें लगातार आधुनिक बनाते रहना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिमांड और सप्लाई, इससे जुड़ी चुनौतियों को दूर करने में बहुत मदद कर सकती है। हमें ऐसे इनोवेशंस, ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है जो इन तकनीकों को गांव गांव तक पहुंचा सके। देश का हर किसान, विशेष रूप से छोटा किसान, इन नए उपकरणों, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा तो कृषि सेक्टर में बड़े परिवर्तन आएंगे। किसानों को कम दाम में आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप्स के लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। मैं देश के युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह करूंगा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमें कृषि से जुड़े आधुनिक विज्ञान को गांव गांव, घर घर तक पहुंचाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। हमें अब कोशिश करनी है कि मिडिल स्कूल लेवल तक कृषि से जुड़ी रिसर्च और टेक्नोलॉजी हमारे स्कूली पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बने। स्कूलों के स्तर पर ही हमारे विद्यार्थियों के पास ये विकल्प हो कि वो कृषि को कैरियर के रूप में चुनने के लिए खुद को तैयार कर सके। साथियों, आज जो अभियान हमने शुरू किया है, इसको जन आंदोलन में बदलने के लिए हम सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। देश को कुपोषण से मुक्ति देने के लिए जो अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को भी ये अभियान सशक्त करेगा। अब तो सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सरकारी योजना के तहत गरीबों को स्कूलों में बच्चों को 45 चावल ही दिया जाएगा। हाल में ही मैंने अपने ओलंपिक चैंपियन से कुपोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर एक खिलाड़ी से मैंने आग्रह किया था कि आप कम से कम आने वाले 2 साल में कम से कम 75 स्कूलों में जाने का आग्रह रखें। वहां विद्यार्थियों से पोषण के संबंध में बातें करें, खेलकूद के संबंध में बातें करें, फिजिकल एक्सरसाइज के संबंध में बातें करें। आज मैं सभी शिक्षाविदों, सभी कृषि वैज्ञानिकों, सभी संस्थानों को कहूंगा कि आप भी आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अपने लक्ष्य तय करें। 75 दिन का अभियान उठा लें कोई, 75 गांवों को गोद लेकर के परिवर्तन का अभियान उठा लें, 75 स्कूलों को जागरूक करके हर एक स्कूल को कोई काम में लगा दे। ऐसा एक अभियान अगर देश के हर जिले में अपने स्तर पर भी और संस्थानों के स्तर पर भी चलाया जा सकता है। इसमें नई फसलों, फोर्टिफाइड बीजों, जलवायु परिवर्तन से बचाव को लेकर किसानों को जानकारी दी जा सकती है। मुझे विश्वास है कि हम सबका प्रयास, ये सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है।
हम सबका प्रयास मौसम के बदलाव से देश की खेती को बचाएगा, किसान की समृद्धि और देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। एक बार फिर सभी किसान साथियों को नई क्रॉप वैरायटी और नए राष्ट्रीय रिसर्च संस्थान के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। फिर से एक बार जिन यूनिवर्सिटियों ने आज पुरस्कार प्राप्त किए, ताकि वैज्ञानिक व्यवस्था ही, वैज्ञानिक मन ही, वैज्ञानिक तरीका ही चुनौतियों से मुक्ति पाने के उत्तम रास्ते दे सकता है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सम्मानित मंत्रीगण, अन्य महानुभव